ग्राम पंचायत अघार की एक महिला के बैंक खाते से 67,000 की नकदी साफ हो गई है। इस बात की भनक तब लगी जब महिला एटीएम से रुपए निकालने के लिए एटीएम मशीन पर गई। रुपए न निकलने पर जब बैंक से संपर्क साधा तो पता चला कि अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। इसके बाद महिला के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। बैंक अकाउंट में डाले गए 67,000 रुपए साफ हो गए थे, अब उन्हें किसने निकाला इसका कोई पता नहीं। यूको बैंक के खाते से रुपए निकाले गए हैं। इससे पहले महिला के पीएनबी बैंक से बीते जून महीने में 37,000 रुपए निकाले गए थे। किसी ने ग्लोड एटीएम से ये पैसे निकाले थे। मौके पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली थी। चेहरा साफ न होने के कारण चोर पकड़ में नहीं आ पाया। अब महिला एक बार फिर रुपए गवा चुकी है। कुल मिलाकर महिला के दो खातों से अब तक 1,14,000 की राशि निकाली जा चुकी है। अघार पंचायत की निवासी परवीन कुमारी का कहना है कि जब वह हमीरपुर यूको बैंक के एटीएम में पैसे निकालने गई तो खाते में पैसे नहीं थे। बैंक कर्मचारियों ने भी यही कहा कि आपके एटीएम खाते में रुपए नहीं है। वहीं महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई तथा महिला काफी घबरा गई। वहीं महिला ने इस संदर्भ में बैंक प्रबंधन से भी बात की पर इस समस्या का कोई हल नहीं निकला। महिला ने तुरंत इसके संदर्भ में भोटा पुलिस चौकी में मामला दर्ज करवाया। पीड़ित निर्धन परिवार से संबंध रखती है। महिला के पति की भी कुछ साल पहले मौत हो चुकी थी। वहीं एसपी हमीरपुर रमन कुमार मीणा ने बताया कि महिला को बैंक में ले जाया जाएगा जहां से महिला के एटीएम से पैसे निकलते हैं। मामले की छानबीन की जाएगी। एक मामला सामने आया जिसमें एक महिला के बैंक खाते से कुछ पैसे गायब हुए। पुलिस जांच कर रही है कि ये पैसे कहां गए हैं, किस खाते में गए हैं, क्या एटीएम से निकाले हैं या किसी को ट्रांसफर किए गए। तो उसके बाद में अगर इसमें आवश्यक बना तो पुलिस इसमें मुकदमा दे देगी। पुलिस की लगातार कैंपेन रही है कि लोग जो इस तरह के फ्रॉड होते हैं जिसमें कि एटीएम के जरिए आपके बैंक खाते को डिटेल के जरिए लोगों के पैसे उनसे चुरा लिए जाते हैं, ठग लिए जाते हैं, तो पुलिस की कोशिश है कि लोग जागरूक बने। हमने पिछले काफी दिनों से बहुत सघन अभियान चलाया था और इसकी बदौलत जिले में इस तरह के केसेज नगण्य हो गए थे, लेकिन ये फिर से एक नया मामला सामने आया। तो हमारी कोशिश रहती है कि लोगों को जागरूक करें, क्योंकि जागरूकता ही इसमें सबसे जरूरी चीज है कि वो अपना एटीएम का पासवर्ड या बैंक खाता संख्या या और कोई भी ऐसी जानकारी उनके खाते से संबंधित ना दे किसी को, ताकि इस तरह की चीज से, इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।